हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। प्रेम में इंसान अंधा हो जाता है, इस बात को चरितार्थ करते हुए बिहार की रहने वाली एक लड़की ने अपने प्रेमी द्वारा शादी के लिए मांगे गए 1.8 लाख रुपए जुटाने के लिए किडनी बेचने दिल्ली तक आ गई। लड़की जब दिल्ली के एक अस्पताल में पहुंची तो डॉक्टरों ने 181 महिला हेल्पलाइन नंबर पर पुलिस को सूचना देने के लिए फोन किया। अस्पताल को शक हुआ था कि लड़की किडनी बेचने वाले किसी गिरोह में शामिल है। उसके बाद दिल्ली महिला आयोग की एक टीम ने अस्पताल पहुंचकर लड़की से बातचीत की। लड़की का अपने पति से तलाक हो चुका है और इसके बाद वह अपने माता पिता के साथ बिहार में रहने लगी थी। वहां एक पड़ोसी के साथ उसकी दोस्ती हो गई, लेकिन लड़की के माता पिता इस शादी के खिलाफ थे। लड़की अपना घर छोड़कर मुरादाबाद चली गई, जहां उसका प्रेमी काम करता था ताकि वह वहां शादी कर सके। प्रेमी ने लड़की से कहा कि वह तभी उससे शादी करेगा जब वह पैसे देगी। लड़की ने किडनी बेचने के लिए दिल्ली आने का फैसला किया। आयोग की एक सदस्य ने महिला की काउंसलिंग करते हुए प्रेमी के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करने को कहा। महिला ने ऐसा करने से मना कर दिया और अपने माता पिता के साथ बिहार चली गई। दिल्ली महिला आयोग ने लड़की को प्रेमी के खिलाफ कानूनी सहायता मुहैया कराने के लिए मामला बिहार महिला आयोग के पास भेज दिया है।